शर्म वहशत झिझक परेशानी, नाश्ते काम क्यों नहीं लेती, ये वो मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये शायरी है जॉन एलिया साहब की। जॉन एलिया साहब को समझने से पहले या जानने से पहले जॉन एलिया साहब की शायरी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़िंदगी वो जीते हैं उसी ज़िंदगी को शेर व शायरी के अंदर डाल देते हैं। जॉन एलिया साहब का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस किताब के अंदर है, जिसका संपादन डॉक्टर कुमार विश्वास साहब ने किया है। उसी किताब से मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा शेर व शायरी लेकर आया हूँ, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी और जो आपको जॉन एलिया साहब को जानने में मदद करेगी कि जॉन एलिया साहब थे किस शाख के वो फूल थे, जो इनकी खुशबू अभी तक इनकी शेर व शायरी के अंदर मौजूद है। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ मैं। नमस्ते, मैं हूँ आपका किताब वाला दोस्त लखन, और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। हमेशा की तरह बुकमार्क लगा लिए गए हैं ताकि आपको पसंदीदा चुनिंदा, मेरी पसंदीदा और सबसे चुनिंदा शायरी आपको सुना सकूं। बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या। कुशादा का मतलब होता है एक फैला हुआ, विस्तृत कर देना, कि बहुत दिल को कुशादा कर दिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या। तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, तो खुद को आधा कर लिया क्या। बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। जो गुजारी ना जा सकी हमसे वो जिंदगी गुजारी है, बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। उससे कहियो कि दिल की गलियों में दिन रात तेरी इंतजारी है, बिछड़ तो गए हैं लेकिन दिन रात तेरी इंतजारी है। उसके बाद वही हिसाबे तमन्ना है, अब भी आ जाओ। हिसाबे तमन्ना यानी आकांक्षाओं की गणना, कि वही है हिसाबे तमन्ना, अब भी आ जाओ। वही है सर, वही है सौदा, अब भी आ जाओ। वो दिल से हार गया है पर अपनी दानिश में, वो दिल से हार गया है पर अपनी दानिश में, दानिश यानी विवेक। वो शख्स अब भी यागाना है, अब भी आ जाओ। वो शख्स हार गया है अपनी दानिश में, वो शख्स अब भी यागाना है, अद्वितीय, वो अलग, सबसे अलग है, अब भी आ जाओ। मैं यहाँ से जाने वाला हूँ मगर अब तक वही है घर, वही है उजरा। उजरा यानी साधु संतों की कुटिया, कि वही है घर, वही है उजरा, अब भी आ जाओ। सारी दुनिया के गम हमारे हैं, सारी दुनिया के गम हमारे हैं, और सितम ये है कि हम तुम्हारे हैं। उन रफीकों से शर्म आती है, यानी दोस्तों से, उन रफीकों से शर्म आती है जो मेरा साथ दे के हारे हैं। और तो हमने किया ही क्या अब, और तो हमने किया ही क्या अब तक, ये किया कि बस दिन गुजारे हैं, कि कुछ नहीं किया हमने, तो हमने तो बस सिर्फ दिन गुजारे हैं। जॉन, हम जिंदगी की राहों में अपनी तन्हा रवि से हारे हैं। तन्हा रवि मतलब अकेले चलने के, कि जॉन अपनी जिंदगी की राहों में हम अपनी तन्हा रवि के मारे हैं, यानी कि अकेले चलने के मारे हैं, कोई साथ है ही नहीं, अकेलापन इतना है। ये बात तुम्हारी जॉन मजाक है कि नहीं, ये बात तुम्हारी जॉन मजाक है कि नहीं, जो भी हो उसे तुम आजमाने लगते हो, कि जॉन तुम जिसे भी हो आजमाने लगते हो। तुम्हारी शायरी क्या भला क्या है, तुम्हारी शायरी क्या है भला क्या है, तुम अपनी दिल की उदासी गाने लगते हो, कि तुम शायरी वायरी नहीं करते हो, तुम अपनी दिल की उदासी गाने लगते हो। उसके बाद एक ही मुजदा सुबह लाती है, मुजदा यानी शुभ संदेश। एक ही मुजदा सुबह लाती है, धूप आंगन में फैल जाती है, रंग मौसम है बादे सबा, शहर कूचों में खाक उड़ाती है। सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर किसे रात भर आती है, कि मुझे तो छोड़ के, लेकिन अब उसकी रात और किसे आती है, उसकी जो याद है वो किसे आती है। आप अपने से हम सुखन रहना, हम नशी सांस फूल जाती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत और करने पे याद आती है। कौन इस घर की देखभाल करे, यहाँ हर रोज एक चीज टूट जाती है। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र
गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही दोगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर हो रही है, मेरी हर बात बेअसर हो रही है, नक्स है मेरे कुछ बयान में क्या, यानी कि मेरे बयान में कुछ खामी है क्या, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या, खुद को जाना खुद जमाने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या, गुमान में यानी कि कह लीजिए कि उसमें भ्रम में आ गया था क्या, ए मेरे सुबह शामे दिल के शफक यानी कि लालिमा, तू नहाती अब भी बांध में क्या, बांध यानी अमरोहा, अमरोहा में एक नदी बहती, उस नदी का नाम कह रहे हैं वो, बोलते क्यों नहीं हो मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं हो मेरे हक में, छाले पड़ गए जबान में क्या, हम तेरा हिज्र मनाने के लिए निकले हैं, शहर में आग लगाने के लिए निकले, शहर कूचों में करो हश्र बपा, आज की हम उसके वादों को भुलाने के लिए निकले हैं, हमसे जो रूठ गया है वो बहुत मासूम है, हम तो औरों को मनाने के लिए निकले, जख्म उम्मीद भर गया कब का, यानी कि जो उम्मीद का जख्म था भर गया कब का, केस तो अपने घर गया कब का, केस को जानते हो, लैला मजनू सुना है आपने, तो लैला मजनू में जो मजनू होता है उसका नाम केस होता है, कि जख्म उम्मीद भर गया कब का, केस तो अपने घर गया कब का, अब तो मुंह अपना मत दिखाओ मुझे, अब तो मुंह मत दिखाओ मुझे, ना से हो मैं सुधर गया कब का, ना से हो यानी जो उपदेश देते हैं वो, आप अब पूछने को आए हैं, दिल मेरी जान मर गया कब का, मेरा फेहरिस्त से निकाल दो नाम, मैं तो खुद से मुकर गया कब का, गुजर आया मैं चल के खुद पर से, एक बला तो टली मेरे सर पर से, मुस्तकबिल बोलता ही रहता हूँ यानी कंटिन्यूसली लगातार, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से, मुझे मुझसे अब लोग कम ही मिलते हैं, मुझसे लोग अब कम ही मिलते हैं, यूं भी मैं हट गया हूँ मंजर से, जो जिंदगी बची है उसे तो मत गवाइए, बेहतर है कि आप मुझे भूल जाइए, थूका है मैंने खून हमेशा मजाक में, मेरा मजाक आप हमेशा उड़ाइए, हरगिज मेरे हुजूर कभी आइए ना आप, और आइए अगर तो खुदा बन के आइए, अब कोई भी नहीं है कोई दिल मोहल्ले में, किस किस गली में जाइए और गुल मचाइए, गुल यानी शोर शराबा, और कुछ यूं है कि घर से हम घर तलक गए होंगे, अपने ही आप तक गए होंगे, हम जो अब आदमी हैं पहले जाम होंगे छलक गए होंगे, शब जो हमसे हुआ माफ करो, शब जो यानी शाम को जो हुआ हमसे माफ करो, नहीं पी थी बहक गए होंगे, हम तो अपनी तलाश में यकसर अज समाता समक तक गए होंगे, यानी कि हम तो अपनी तलाश में पाताल से आकाश तक गए होंगे, जॉन अल्लाह और ये आलम बीच में हम अटक गए होंगे, और मैं जो हूं वो जॉन एलिया हूं जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिए। तो ये थे जॉन एलिया साहब के कुछ चुनिंदा अशआर जो मैंने आपको सुनाए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने शायरी वाले शायरी प्रेमी दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर दीजिए द किताब वाला को, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहो, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, जय हिंद वंदे मातरम। कि यूं तो क्या बादे बहारी जा रही है, मियाँ जी की सवारी जा रही है पहलू में टके की एक हसीना, है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। तो ये एक अलग ही अंदाज था, मतलब खनक एक जो कहते हैं ना।